हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़वानी पुड़गांव के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, हम क्लास अवर पास्ट में क्लास एट्थ में चैप्टर नंबर फोर्थ डिस्कस कर रहे थे, द ट्रैवल धीकूस द विजन ऑफ अ गोल्डन एज की हम बात कर रहे थे, जिसमें जनजातियों का उदय कैसे हुआ और जनजातीय लोग कैसे कैसे आगे को बढ़े। ये शुरुआत हुई थी झारखंड से और झारखंड के एक मेहर से ये स्टार्ट हुआ था और कैसे कैसे लोग उसको करते थे, उस स्टोरी के माध्यम से हमने आपको बताया था। आज के डे का फर्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे, हाउ डिड कॉलोनियल रूल्स आफ्टर ट्राइबल लिव्स, अर्थात औपनिवेशिक शासन से जो आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा था, उसकी हम जरा सा चर्चा इस क्षेत्र में करेंगे। सो गाइस, व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स, अर्थात आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। तो अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाके में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकतर काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई जगह कई गांवों में अधिकतर चीज़ें आ निकली थी समझ में, चीज़ों को आगे बढ़ निकली थी, और कई गांवों में ज़मीन पर मालिकाना तो मिला ही, लेकिन उनकी शासकीय जो शक्ति थी वो छिन गई थी। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को हर्जाना देना पड़ता था और ये सब चीज़ें करके ये चीज़ें आगे को स्टार्ट होते चलेंगे। तो व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग अर्थात घुमत्तू काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के जो समूह है एक जगह स्थानीय स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया था कि किसे कितने का हिस्सा तय किया है। उन्होंने यह भी तय कर दिया था कि लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे पट्टेदार घोषित किया गया, जैसे कि आप देख चुके हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ हमारे पास पानी का कम हो, मिट्टी सूखी थी, वहाँ हलों की खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़ रहे थे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापार विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंग में कुछ हिस्से घूमती खेती पर भी छूट दे निकली। गाइज, ये चलकर हम अब आगे बात करते हैं कि वन कानून और उसके क्या प्रभाव रहे, द फॉरेस्ट लॉस एंड द देयर इम्पैक्ट क्या क्या पड़े। तो मैं आपको इसको विधिवत तरीके से बताता था कि भारी असर पड़ा इस पर। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जंगलों को राज्य को संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। समस्या यह भी थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढा और ये चीज़ें आगे को बढ़ते चले गईं। अब गाइस देखिए, इन दिस लैंड ऑफ द इग्लैंड्स हाउ हार्ड इट सो लिव, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन था। अब देखिए, 1930 के दशक में वेरियर एलियन के मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाके के का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति की जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं को बहुत सारे गीत इकट्ठे किए
जिनमें इस बात पर शिकायत की गई थी कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। देखिए अंग्रेजों ने इस देश में जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गाँव में, दरबारों में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाएं कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। ये बेरियर एल्विन ने बेहतरीन तरीके से इसको परिभाषित भी किया। इसके बाद चर्चा करते हैं गाइस, बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैरकानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में संग्राम सांगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह से विद्रोह में भी था। गाइस अब बात आती है द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार के साथ क्या समस्याएं थी। तो 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों में क्या असर पड़ने वाले थे, यह समझने में आदिवासी को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति में देखें कि किस किस तरह से ये चीज़ें ऐसे करते थे। झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे, जो संथाल थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए लगभग 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान आ गया भेजे गए जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम जो उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। आप देख भी सकते हैं गाइस, इस तरीके से देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये काम की तलाश में भाग रहे हैं और काम की तलाश में घर से दूर जाने को, आदिवासी दशा ऐसे ऐसे चीज़ों में हमें देखने को भी मिलते हैं कि किस तरीके से ये आगे को बढ़ रहे हैं। तो 19वीं की सदी के आखिरी में ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी जो थे एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती कराया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की माफत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। अगर हम इसको गाइज एक नज़दीकी से अगर देखें तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूह के बदलते कानून व्यवहार पर लगी पाबंदियां नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की, यानी 1831 से 32 के काल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत की थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह जो 1910 में हुआ था और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का आंदोलन था, या हम कहें तो वह भी इसी तरह के कानून या नियमों में चीज़ें थी। कहीं सब पढ़ते हैं कि बिरसा मुंडा था क्या, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीजते था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहड़ों आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता के काम की तलाश में जगह जगह भटकता गया चल पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार जो मुखिया थे विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के ऐसे लोग स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दीकुओं का मतलब जो उसके राज्य से बाहर आते थे। सरदारों को कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय
मिशनरी स्कूल में जाने लगे और उन्हें मिशनरियों के उपदेशों सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छा इंसान बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। तो ऐसा भी हो सकता है, बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता का दया पर जोर भी देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारधाराओं के संपर्क में आए उन्होंने वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडवाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और मुंडाओं और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मशीनरों और हिंदू जमींदारों का भी लगभग विरोध किया। उन्होंने बाहर आने से मानवता मुंडा जीवन में ऋषि को आगे बढ़ाया। 1895 बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के संकल्प लें। वह अतीत के लिए ऐसे स्वर्णयुग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालन के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। तो ये क्रम ऐसे ही चलते गया और ये सब होने के पश्चात जो है 1857 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपराओं, प्रतीकों, भाषाओं का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निराशा निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चा पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धारा धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। 1900 में बिरसा के हैजे से मृत्यु हो गई। आंदोलन ठप पड़ गया। यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरियों में इस काम को भी अंजाम दिया। सो गाइस, ये चैप्टर नंबर 4 आज फिनिश होता है क्लास 7th का और कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के लिए। तब तक के लिए आप सुनिए, जो भी इसका असाइनमेंट मैं आपको होमवर्क ग्रुप में दूंगा वो आप इस लेक्चर के माध्यम से इसके आंसर्स ढूंढिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू।